Ramanu rahim Assalamualaikum. welcome back to my channel I hope you all are fine and doing great so today the topic which we are going to discuss is the mechanism of the urine formation and this uh, topic topic a homeostasis ka ek important topic hai. Uh, homeostasis is um, uh, present in fSE part two and uh, chapter number fifteen as well as of mdK two thousand twenty one ka ek important topic hai. सो so, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूरिन फॉर्मेशन जो कि किडनी का फंक्शन है तो उसके अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और किडनी अपना ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करती है ठीक है ब्रॉडली हम ये कहते हैं कि जब भी यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनीज के अंदर तो वो थ्री उसके स्टेप्स हैं नंबर वन इज़ अ प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड प्रेशर फिल्ट्रेशन इज़ ऑलसो नोन एज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नंबर टू इज़ अ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्पन एंड नंबर थर्ड इज़ द ट्यूबुलर सिक्रेशन इन तीनों स्टेप्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पर होते हैं और डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि कौन से पार्ट्स ने के जो है वो किस स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सो सबसे पहले वी हैव द प्रेशर फिल्ट्रेशन ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लुमरल इज़ फिल्टर्ड इन टू वोमेंस कैप्स ठीक है यानी कि वी नो दैट कि ग्लुमरलिस इज़ द नेटवर्क ऑफ और कैपलरीज़ के अंदर तो ब्लड प्रेजेंट ही होता है अब उस ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी होती है तो वो फिल्टर किसके अंदर होगा वो ब्लड ग्लोमरले से चला जाता है वोमेंस कैप्सूल के अंदर और वहाँ पर उसकी फिल्ट्रेशन होती है जब वहाँ पर फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है उसको हम ग्लोमरले फिल्ट्रेट कहते हैं सो so, बेसिकली प्रेजेंट वो वोमेंस कैप्सूल के अंदर होगा बट उसकी जो uh, फिल्ट्रेट अपेयर होगा वो वोमेंस कैप्सूल के अंदर होगा बट वो आता कहाँ से ग्लोमरले से सो so बेसिकली उसकी अपेरेंस की वजह से इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना कि वो हमें बोमेंस कैप्सूल के अंदर मिल रहा है उसकी साइट जहाँ से वो आ रहा है ग्लोमरलिस इस वजह से हम उसको ग्लोमरला फिल्ट्रेट कहते हैं ठीक है और कहते हैं कि जो कंपोजिशन uh, अगर हम देखें ग्लोमरला फिल्ट्रेट की तो उसके अंदर वेडियस यूजफुल सब्सटांस हैं अब वेडियस यूजफुल सब्सटांस में हमारे पास है, है, ग्लूकोज हैं अमाइनो एसिड्स हैं एंड सॉल्ट वगैरह हैं Uh, तो ये जो है वो ग्लोमरलि फिल्ट्रेट की कंपोजिशन है अच्छा यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि uh, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं बट अगेन कि जो ग्लोमरलि वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड प्रेशर रीच करता है वो हाई होता है और उस ब्लड uh, प्रेशर को हम फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम एक एम सी क्यू डिस्कस करते हैं द क्वेश्चन इज़ कंपोजिशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट इज़ सेम एज़ यानी जो ग्लोमिलेर फिल्ट्रेट अपियर कर रहा है वोमेंस कैप्सूल के अंदर उसकी कंपोजिशन किस जैसी होती है अल्फा प्लाज्मा बीटा प्लाज्मा प्रोटीन्स चार्ली प्लाज्मा प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड डेल्टा प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स ठीक है तो उसके अंदर ग्लूकोज एसिड सॉल्ट और भी बहुत सारे वेरियस यूजफुल सब्चांसेस प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसकी कंपोजिशन जो मेनली एग्जाम्पल करती है दैट्स आर आंसर इज़ डेल्टा प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा मा प्रोटीन ठीक है यहीं से हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप को ब्रीफली कि जो फर्स्ट स्टेप है ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसके अंदर किडनीज क्या करती हैं वो एक्सेस फ्लोइड को फिल्टर करती हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास किडनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बच जाती है बाकी की सारी फिल्ट्रेशन हो जाती है ठीक है और वो ग्लोमिले फिल्ट्रेट की फॉर्म के अंदर रिपेयर कर रहा होता है। सो यूज़ फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज़ टू फिल्टर एक्सेस फ्लूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द ब्लड इन टू द यूरन कलेक्टिंग ट्यूज ऑफ द किडनी क्या हम उसको एलिमिनेट कर सकें बॉडी से ठीक है सो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो नज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अच्छा पीछे भी जो हमने अभी डिस्कस किया है कि ग्लोमिले फ़िल्ट्रेट की कंपोजिशन प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन से होती है तो वो इस चीज़ को इस तरह से भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो वोमेंस कैप्सूल से पास नहीं हो सकता ठीक है वो हमें डिफरेंट तरह के माइक्रोमोलीस की एग्ज़ाम्पल दे सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं विटामिनस हैं या क्या है ठीक है सो आर आंसर इज़ प्रोटीन्स ठीक है और इसलिए हम कहते हैं कि उसमें ग्लोमिले फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन्स को निकाल कर सही कम्पोजिशन होती है यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल है और उसके अंदर जो है नेटवर्क ऑफ है नोन एज कैप्लरीज प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए फ्रंट आर्टिड्यूल से ब्लड एंटर होगा और ई फ्रंट आर्टिड्यूल से उसमें से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर जो ग्लमर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है इसमें से यू कैन से कि यहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी बट प्रोटीन्स इनमें से पास नहीं करती ओके okay? नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है दैट इज़ द सेलेक्टिव रीअब्जॉपन अच्छा यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो सेलेक्टिव रिअबॉर्बशन होती है ये नफरॉन का वोमेंस कैप्सूल ग्लोमरे पार्ट के बाद जितना भी टिब्यूलर पार्ट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और वी नो दैट के वोमेंस कैप्सूल के बाद सबसे पहले जो है ना हमारे पास आ जाती है प्रॉक्सिमल कॉमविटेड टब्यूल तो हम कहते हैं कि सेलेक्टिव रीअब्जॉपन स्टार्ट होती है प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल के अंदर और इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो हमें यूज़फुल सब्सटेंसेस चाहिए होती हैं वो एबजॉर्ब हो जाते हैं सो सेलेक्टिव रीएबज़ॉर्प्शन इज अ प्रोसेस वे बेस्ट सर्टन मॉलिक्यूल्स आफ्टर बींग फिल्टर्ड आउट ऑफ द कैपलरीज यानी यहाँ पर वो डिस्कस करें हमें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं अंग विद द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वॉट इन द गोमरिलेस ठीक है यानी कि वो एक दफ़ा फिल्ट्रेशन हो गई ग्लोमिलस फिल्ट्रेट की फॉर्म के अंदर हमें मिल गए अब उनकी रीएब्जॉपन होती है फ्राम द फिल्टेट जब वो निफ्रॉन के टूब्यूलर पार्ट से पास आउट करते हैं दैट इज वी से जो सिलेक्टिव री एबजॉपन है वो प्रॉक्सिमल कॉन्विटिव ट्रिब्यूल के अंदर अक करती है अच्छा सो री एब्जॉर्बशन से रिलेटेड हमें एक दो और बातें पता होनी चाहिए दैट आर और अकर से पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स जो कि मैं बता चुकी हूँ मोस्ट ऑफ़ द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोम ट्रेड आर री एब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स अब वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अब वेरियस सब्सटांसिज़ हैं जिनकी रीअब्बॉर्बशन होती है वो हम आगे जाके देखते हैं बट यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि ग्लोव फिल्ट्रेट के अंदर जितने भी अब इम्पॉर्टेंट सब्सटांस हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट उनकी रीअब्जॉर्बशन होती है और जब फिल्ट्रेड प्रॉक्सिम कॉम रिलेटेड टिब्यूल से बाहर निकलते हैं तो उसके अंदर मेजर जो चीज़ होती है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है और बेसिकली ह्यूम्स के अंदर वो यूरिया होती है और जो यूरियन के फॉर्म के अंदर हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन दैट इज़ एक्सक्रीशन ठीक है जब हम उसकी रिमूवल करते हैं तो बेसिकली दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एम सी टू कि जब वो प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है फिल्ट्रेट तो वो ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेन करता है ओके okay. यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके अंदर हम ये देखते हैं सबसे पहले कि वाटर ग्लूकोज़ यूरिया एंड कैल्शियम पोटाशियम सोडियम एंड क्लोराइड आइंस प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये सारे, -सारे के सारे फिल्ट्रेट की फॉर्म के अंदर वेरियस कॉन्सटूट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और वोमेंस कैप्सूल के बाद यहाँ पर ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स पोटाशियम आइंस कैल्शियम आइंस वाटर इसकी सब की रीअब्जॉर्पन हो रही है यू कैन से स्टार्ट केंद्र ग्लूकोज एमायनो एसिड्स वगैरह प्रोक्िमल कॉन्विलटेड टिब्यूल के अंदर इनकी रीअब्जॉर्पन हो गई दैन लूपाफ एनले ठीक है उसके बाद लूपाफ एनले को हम ब्रॉडली डिस्कस uh, करेंगे कंसनट्रेटेड ड्यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर सो so, आपको ये पता नहीं चाहिए यहाँ पर uh, जो डिसेंडिंग लिप है उधर वाटर के लिए अब्जॉर्प्शन हो रही है और असेंडिंग के अंदर एक्टिव अपटेक हो रही है सोडियम आइंस की ठीक है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वी नो दैट केम कलेक्टिंग ट्रिब्यूल के अंदर वाटर uh, की री एब्जॉर्पन को हम डिस्कस करेंगे ठीक है और हाइड्रोजन आइन्स यहाँ पर जो शो करें वो सिक्रीशन कहलाते हैं जिसके अंदर uh, जो थर्ड स्टेप है टिब्यूलर सिक्रीशन और हाइड्रोजन आइन्स इसके अंदर सिक्रीट होते हैं टिब्लरापेथीलियम से और इस डायग्राम में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो आसानी होगी हाइड्रोजन आइन्स की वजह से पीएच बैलेंसिंग होती है हमारे ब्लड की सो टब्यूलर सिक्रीशन अभी जो मैंने बोला कि टिब्यूलर एपिथीलियम जो होती है वो क्या करती है वो सब्सटेंसेस को उसके ल्यूमेन के अंदर सिक्रिएट करती है ठीक है अब वो जो सिक्रीशन कर रही है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है और वो मोस्टली जो सिक्रीशन होती है वो हाइड्रोजन आइंस की होती है एंड वी नो दैट कि हाइड्रोजन आइंस की वजह से फिर बैलेंसिंग होती है पी एच ऑफ द ब्लड की एज वेल एज ऑफ द फिल्ट्रेट इस चीज़ को हम और किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि टबुलर सिक्रीशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ द मटीरियल्स अब वो कहाँ से मटेरियल मूव करते हैं पैरी ट्यूब विलर मैंने आपको बताया था कि वो ट्यूबीलर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगी टू द रीनल ट्यूबिलर लिमिन के अंदर वो जाएगी ठीक है और ये जो uh, एक इंपॉर्टेंट आपसे क्यों पूछा जाता है वो ये है कि जो ट्यूबिलर सिक्रीशन है उसका ऑपोजिट या उसका रिवर्स या uh, कौन सा प्रोसेस है जो उसके ऑपोजिट है तो दैट इज़ री ठीक है दिस स सिक्रीशन इज़ कॉज्ड किस वजह से होती है ये भी एम डी कैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन ये दो प्रोसेस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं यूजली ओनली अ फ्यू सब्सटांसिज आर सिक्रेटेड और वो यूजली वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्म के अंदर होती हैं और ये लास्ट स्टेप होता है सो यहाँ पर फाइनली एक डायग्राम है जिसके अंदर हम सारे का सारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि ईफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ठीक है और उसके बाद ईफरेंट आर्टेरियोल से वो ब्लड बाहर जाएगा वोमेंस कैप्सूल के बाद जो हमारे पास ग्लोमिला फिल्ट्रेट है बेसिकली वो वोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ से वो फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल प्रक्स, कॉमविलेट ट्रिब्यूल यानी टूबुलर सिस्टम के अंदर जाएगा सो फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ फ़िल्ट्रेशन है और इसके अंदर सिर्फ दो पार्ट्स थे ग्लमरलेस एंड वोमेंस कैप्सूल और, और रीअब्जॉप्शन के अंदर सारे टिबुलर पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड वी नो दैट के टिब्यलर पार्ट के अंदर पैरी टिबुलर कैपलरीज हैं ठीक है तो रीअबॉप्शन हो गई थर्ड स्टेप के अंदर सिक्रीशन होती है एंड नंबर फोर्थ इज द एक्सक्रीशन ठीक है फोर्थ स्टेप के अंदर यू कैन से कि एक्सक्रीट हो गया और थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पर बेसिकली सिक्रीशन रही होती है सो एक्सक्रीशन को हम कह सकते हैं कि किस तरह से कि जब फ़िल्ट्रेशन हुई उसके बाद जब हम उसमें से रीअबज़ॉर्बशन को माइनस कर दें प्लस एकशन को ऐड कर दें तो दैट इज़ द प्रोसेस जो कि ईजिली हम एक्सक्रेशन excre को एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज अब इसमें माइनस क्यों है कि जब एक्सक्रीशन होती है तो जितने भी सब्सटांसिस रीअब्जॉर्ब हुए फॉर एग्ज़ाम्पल अमाइनो एसिड्स वाटर ग्लूकोज कैल्शियम आइंस पोटासियम आइंस तो वह सारे के सारे जो रीअब्बॉर्बशन हुई है वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होते एंड एक्सक्रीशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स तो दैट इज़ वाई फिल्ट्रेशन माइनस रि एब्जॉर्बशन एंड प्लस सिक्रीशन बिकॉज सिक्रीशन के अंदर मे जो सब्सटांसिस सिक्रीट होते हैं वो नाइट्रोजनस नेचर के होते सो so, हमारे पास यहाँ पर एक एम सी क्यू है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू कंसेप्ट वाइज भी एज वेल एज

इससे हम ये भी याद कर सकते हैं कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हंड्रेड परसेंट रीऑब्ज़ॉर्ब हो गए तो ये चारों के चारों ऐसे होते हैं जो कि हंड्रेड परसेंट ये एबजॉर्ब करते हैं साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि जो सोडियम क्लोराइड होता है और वाटर होते हैं ये एट्टी परसेंट रीअब्जॉर्ब होते हैं ओके okay? सो so, साथ ही हार्मोनल कंट्रोल है अब इसमें दो हमारे पास हार्मोन्स हैं एल्डोस्टिर एंड एडीएच जो कि यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एल्डोस्टिरोन क्या करना होता है एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आइंस और एडीएच डी विच इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को इनका साइट ऑफ अटैक है एल्डोस्टिरोन दिस इज़ फॉर द एम सी क्यू दिस इज़ फॉर द कॉन्सेप्ट एंड ये हमारे जो है नेक्स्ट इनकमिंग जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी हार्मोन्स के अंदर हेल्प करेगा सो एल्डोस्टीरोन जो एक्टिव अपटेक ऑफ द सोडियम आइन्स की करता है वो थिक लूप ऑफ फैनले या जिसको हम थिक लूप को असेंडिंग लूप ऑफ हैंनले भी कहते हैं वहाँ करता है और एडीएच जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और जब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाटर की होती है तो वो किसके अंदर होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है थैंक यू सो मच होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक केयर ऑफ सेल्फ